आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज पर। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। क्राइम नंबर 100/2021 अंडर सेक्शन 406, 420, 418, 421, 422, 409, 120B, Redwick 34 IPC Kinda, Carvi Stock Broking Limited, KSBL, ఇది ఒక ప్రామినెంట్ స్టాక్ బ్రోకర్ అండ్ అస్ట్వైల్ ఫార్మర్ మెంబర్ ఆఫ్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఇది పైన కేసు రిజిస్టర్ అయింది అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ అరెస్ట్ వాజ్ మేడ్ టుడే. ఇదికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు మన జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అవినాష్ మోహంతి గారు డీటెయిల్లో చెప్తున్నారు. బేసికలీ హౌ cheating has been done, gross violation of SEBI guidelines. ఇదిలో SEBI తరఫు నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది అండ్ కంప్లైనెంట్ ఇండస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ అండ్ తర్వాత వేరే బ్యాంక్ తరఫు నుంచి కూడా కంప్లైంట్ వచ్చింది. సో నేను అవినాష్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, మీకు డీటెయిల్లో చెప్తారు. మై కౌంటర్ ఫీట్ కరెన్సీ ప్రింటింగ్ ఆర్ సర్కులేషన్ కా ఏక్ గ్యాంగ్, 5 మెంబర్ గ్యాంగ్ का टास्क फोर्स के तरफ से गिरफ्तारी हुआ और अभी तक काउंटर फीट करेंसी वर्थ ₹16 लाख और उसके साथ कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का रिकवरी हुआ है. आज हमारे OSD टास्क फोर्स राधा किशन साहब के लीडरशिप में ये ऑपरेशन में 5 जो ऑफेंडर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, उनका नाम है चुक्कापुरम संतोष कुमार, जानकी साई कुमार, धर्माजी नीरज कुमार एलियस पिंटू, जालीगम राजू और सुकरी श्रीनिवास. उनके पास से 500 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी, 200 रोप डिनोमिनेशन का फेक करेंसी रिकवरी हुआ और इसके साथ कैनन प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और बाकी सब चीज. ये संतोष कुमार सिद्धिपेट का रहने वाला है, जानकी साई कुमार भी सिद्धिपेट का रहने वाला है, नीरज कुमार ये भी सिद्धिपेट का है, जालीगम राजू भी सिद्धिपेट का है और इसमें जो एक फिफ्थ मेंबर है सुनकरी श्रीनिवास, ये एक्चुअली मार्च 2020 में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से एक डिसमिस्ड कांस्टेबल ऑफिसर है. ये पहले वेस्ट बंगाल में सर्विस किया, फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी सर्विस किया और इसकी लास्ट पोस्टिंग गुजरात में थी जहां से ये डिसअपियर हो गया और उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, जिसे कहते हैं डिजर्टर, भगोड़ा जो वर्ड यूज होता है, उसमें उसको नौकरी से निकाल दिया गया. इसमें कुछ खास फर्क जो है करेंसी में, एक तो ओरिजिनल में एम्बॉसिंग होता है, इसमें एम्बॉसिंग नहीं है और लेफ्ट मार्जिन में जो 5 लाइंस है वो इस डुप्लीकेट में नहीं है. फिर हिंदी में जो लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, उसमें भी एम्बॉसिंग रहा है, इसमें डुप्लीकेट में नहीं है. और जो सिक्योरिटी लैमिनेटेड थ्रेड है ओरिजिनल में वो बाई कलर है, मल्टी कलर है, ब्लू और ग्रीन का मिक्स, जो कि एक एंगल से करने में दिखता है. इस डुप्लीकेट में वो सिंगल कलर है और वो स्ट्रेट है. और इसके अलावा पेपर का क्वालिटी में बहुत फर्क है. ओरिजिनल का पेपर बहुत क्रिस्प होता है, बहुत पतला होता है और ये डुप्लीकेट बिकॉज इसमें 2 लेयर का पेस्टिंग है फेविकॉल से, तो इसीलिए इसमें पेपर का क्वालिटी मोटा. नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही. देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. फिलहाल के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.